So, did you all finish your English homework? Whatever I sent in the group, did you complete the grammar completion and everything? Hope so. And did you complete all the terminal questions till chapter 7? Okay, I'll share the screen. Okay, so we will begin with our today's chapter, that is Pioneers of Contemporary Indian Art. At the beginning of 19th century, under the influence of British Raj, Indian art displayed a general decline. The craft and techniques of fresco and miniature paintings, which were unique in history of art, were nearly lost. Miniatures were ousted by European oil paintings. Towards the turn of century, traditional Indian paintings faded out, and it was the time for Indian artists to look at their heritage with positive approach and advance from earlier European colonial art. It's difficult to take in the phone. Okay. तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि पाइनियर्स ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडियन आर्ट. तो पाइनियर्स का मतलब क्या होता है? कोई कोई भी एक पर्सन जो एक किसी चीज में सबसे पहले उसी चीज को फाइंड आउट करता है, उस चीज के ऊपर रिसर्च करता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम पाइनियर्स करते हैं. पहले हम ग्लॉसरी वर्ड्स देख लेंगे. तो ग्लॉसरी वर्ड्स में फ्रेस्को क्या है? वॉल पेंटिंग डन इन टेम्परा वॉटर कलर्स. माइथोलॉजिकल का मतलब है लेजेंडरी. बहुत सारे लोग माइथोलॉजिकल का मतलब मिथ्या भी बोलते हैं, बट यहाँ पे इन्होंने अच्छे से बताया माइथोलॉजिकल का मतलब लेजेंडरी है. रिवॉल्यूशनरी का मतलब है इनोवेटिव. कोई भी चीज को इनोवेट करना, किसी चीज में बदलाव लाना, उसे हम रिवॉल्यूशनरी बोलते हैं. स्टैटिक का मतलब है मोशनलेस. किसी चीज में मोशन नहीं होता है, उसे हम स्टैटिक कहते हैं. सोलिम का मतलब होता है सीरियस, मतलब यू हैव टू बी सोलम अबाउट समथिंग, सो हम उसे सीरियस बोलते हैं. यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है रेगुलैरिटी. किसी चीज में यूनिफॉर्मिटी लाता, रेगुलैरिटी लाना, जैसे नहीं मतलब हम यूनिफॉर्म बोलते हैं. तो यूनिफॉर्म हम क्यों पहनते थे? क्योंकि रोज हमें वो स्कूल में पहनना पड़ता था. दैट वॉज अ यूनिफॉर्म, दैट वॉज अ रेगुलर थिंग टू डू. ओके, सो दैट बिकम्स रेगुलैरिटी हियर. यूनिफॉर्मिटी मीन्स. विविडली का मतलब है स्ट्राइकिंगली, मतलब कोई चीज हमें बहुत ज्यादा ऐसे स्ट्राइक हो जाती है, उसे हम विविडली बोलते हैं. कोलोनियल आर्ट, एन आर्ट फॉर्म इस्टेब्लिश्ड इन ब्रिटिश रूल्स इन इंडिया. कोलोनियल आर्ट क्या है? कोई आर्ट फॉर्म है वो ब्रिटिश में, मतलब इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया ब्रिटिश रूल के दौरान. ओके, फिर एक्सप्रेशनिज्म. एक्सप्रेशनिज्म क्या है? एन आर्ट थ्रू विच इमोशंस एंड फीलिंग्स एक्सेट्रा आर एक्सप्रेस. जैसे हम कोई पोम्स होती है, कोई स्टोरीज होती है, जिससे हम हमारे जो फीलिंग्स है सब एक्सप्रेस करते हैं, तो वैसे ही एक्सप्रेशनिज्म भी एक आर्ट है, जिसे हम एक्सप्रेस कर रहे हैं हमारी फीलिंग्स उसके अरे द्वारा. मैं रेफोन ले गया रे नीचे रेफोन गया तो बोले ना अगर दूल्हे कैसे होगा तुम मतलब क्या हम गए ओके. तो हमने ग्लॉसरी वर्ड्स देख लिए. तो अभी हम देखेंगे यहाँ पे वो कह रहे हैं कि 19th सेंचुरी ब्रिटिश राज जो हुआ था उसके इन्फ्लुएंस में आके इंडियन आर्ट डिस्प्लेड एंड जनरल डिक्लाइन. उसमें डिक्लाइन हो गया. ऑब्वियसली अभी हमारे कंट्री को कोई दूसरी कंट्री जब राज करेंगी तो ऑब्वियसली हमारा जो कल्चर है या फिर हमारा आर्ट है वो क्या हो जाएगा? वो डिक्लाइन हो जाएगा. तो वो बोल रहे हैं कि द क्राफ्ट एंड टेक्निक्स ऑफ फ्रेस्को मिनिएचर पेंटिंग्स विच वेर यूनिक इन हिस्ट्री ऑफ आर्ट
वेयर नियरली लॉस्ट ऑफ फ्रेस्को और मिनिएचर पेंटिंग्स है जो हमारा एक ट्रेडिशनल आर्ट था वो क्या हो गया, वो हमने खो दिया उसको. मिनिएचर्स मतलब आउटस्टेटेड यूरोपियन ऑयल पेंटिंग्स. मिनिएचर्स क्या है, यूरोपियन ऑयल पेंटिंग्स से मतलब नहीं, किसी और मतलब यूरोपियन ऑयल पेंटिंग्स ने उसकी जगह ले ली. टूवर्ड्स द टर्न ऑफ द सेंचुरी ट्रेडिशनल इंडियन पेंटिंग्स फेडेड आउट एंड इट वॉज द टाइम फॉर इंडियन आर्टिस्ट टू लुक एट देयर हेरिटेज विद पॉजिटिव अप्रोच एंड एडवांस फ्रॉम अर्लियर यूरोपियन कोलोनियल आर्ट. तो बोल रहे हैं कि अभी ये तो सब हमने लूज कर दिया था, बट ये जो आर्टिस्ट है इनका काम था ये चीज देखना कि हमारा जो लॉस्ट आर्ट है, सब चीजें है, हमारा जो ट्रेडिशनल है जो पूरा फेड हो गया है, उसे हम क्या करें, हम उसे नए अप्रोच से, पॉजिटिव अप्रोच से उसे ले, उसमें कुछ एडवांसमेंट लाए. राजा रवि वर्मा ऑफ केरला वॉज फेमस फॉर हिज पेंटिंग्स ऑफ माइथोलॉजिकल सब्जेक्ट्स एंड पोर्ट्रियर. His work showed Western influence in his oil paintings. On the other hand, Abhinirendranath Tagore tried to recreate new style in painting. तो अभी यहाँ पे ये कह रहे हैं कौन है, राजा, एक राजा है जिनका नाम है राजा रवि वर्मा, केरला के है, बहुत फेमस है. किस चीज के लिए फेमस है, उनकी पेंटिंग्स के लिए, माइथोलॉजिकल सब्जेक्ट्स पे है उनकी, मतलब जो लेजेंडरी लोगों की पेंटिंग्स नहीं बनती जैसे अभी कोई फाइट के दौरान या फिर कोई सी राजा का एक पोर्ट्रेट होता है उनकी, तो उसके लिए वो बहुत फेमस है. तो बोल रहे हैं कि उनका जो काम है वेस्टर्न इन्फ्लुएंस इन हिज ऑयल पेंटिंग, तो उनके काम में थोड़ा सा वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है, जैसे यूरोपियन से उन्होंने जो सीखा है वो उन्होंने उनके काम में लाया है. और दूसरी ओर वो बोल रहे हैं कि एक जो अभिनद्रनाथ टैगोर है उन्होंने ट्राई किया रिक्रिएट करना न्यू स्टाइल ऑफ पेंटिंग. नंदलाल बोस, बेनोडे बिहारी एंड फ्यू अदर्स फॉलोड दिस न्यूली अवेकंड सेंस ऑफ नेशनलिज्म. दस इमर्ज द बंगाल स्कूल इन फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी फॉर सब्जेक्ट्स दे फाउंड देयर इंस्पिरेशन फ्रॉम इंडियन क्लासिक्स एंड माइथोलॉजी. दे रिजेक्टेड द वेस्टर्न रियलिज्म एंड प्रेफर्ड टू यूज आइडियलिज्म ऑफ इंडियन आर्ट. जेमिनी रॉय गेव अ मॉडर्न फॉर्म टू फोक आर्ट एंड रविंद्रनाथ टैगोर इंट्रोड्यूस्ड एक्सप्रेशन इन हिज पेंटिंग. This artist experimented with traditional watercolor techniques using Indian and Chinese styles, also sought to inspiration from miniature fresco and folk art. तो अभी वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, देविक बार बार क्यों लीव कर रहे हो आप मीटिंग. ओके तो ये यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे अभिंद्रनाथ टैगोर है, उन्होंने न्यू स्टाइल ऑफ पेंटिंग की, फिर नंदलाल बोस है, बेनोडे बिहारी है, वो क्या किए उन्होंने, नया नेशनलिज्म, सेंस ऑफ नेशनलिज्म आया उन्होंने, फिर उन्होंने एक बंगाल स्कूल है फर्स्ट हाफ में 20th सेंचुरी में वो उन्होंने ओपन की, और फिर वहां से उन्होंने इंस्पिरेशन लिया. कहाँ से इंस्पिरेशन लिया, फ्रॉम इंडियन क्लासिक्स, माइथोलॉजी से लिया. उन्होंने क्या किया, वेस्टर्न जो रियलिज्म है उसको रिजेक्ट किया और इंस्टेड उन्होंने क्या प्रेफर किया, आइडियलिज्म, इंडियन आर्ट को प्रेफर किया. तो जेमिनी रॉय जो है उन्होंने एक मॉडर्न फॉर्म ऑफ फोक आर्ट, रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया, एक्सप्रेशंस, मतलब पेंटिंग्स में एक्सप्रेशन आए, पेंटिंग से हमारे कुछ एक्सप्रेशंस जो है, हमारी जो कुछ फीलिंग्स है, भावनाएं है, वो व्यक्त हो उन्होंने वो लाया. फिर ये जो एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रेडिशनल वाटर कलर टेक्निक्स है इंडियन एंड चाइनीज स्टाइल्स के, उन्होंने ये इसमें बहुत ज्यादा उन्होंने यूज किया और उन्होंने उसमें क्या किया, मिनिएचर्स और फ्रेस्को और फोक आर्ट भी ऐड किया. लेटर आर्टिस्ट लाइक अमृता शेरगिल ड्रीव ऑन बोथ वेस्टर्न एंड इंडियन ट्रेडिशनल्स. हर कॉन्ट्रीब्यूशन इन फील्ड ऑफ आर्ट रिटेन्स हर यूनिक पोजिशन एज फर्स्ट लेडी ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट. All these artists produced remarkable works in the history of contemporary Indian art. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अभी एक अमृता शेरगिल है, उनको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं यहाँ पे, उनके बारे में बता रहे हैं. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने दोनों आर्ट निकाले, उन्होंने वेस्टर्न भी निकाला और
वेस्टर्न भी निकाला उन्होंने और इंडियन ट्रेडिशंस को भी फॉलो किया. उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो एक यूनिक पोजीशन एज अ फर्स्ट लेडी प्ले करता है इंडियन आर्ट में. और ऑल दिस आर्टिस्ट प्रोड्यूस रिमार्केबल वर्क्स, बहुत अच्छा उनका काम हुआ. और हिस्ट्री ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडियन आर्ट, तो लेट्स लुक एट दिस पेंटिंग ओवर हियर. इट्स अ मोस्ट ब्यूटिफुल पेंटिंग. आपने ये पेंटिंग ना बहुत बार देखी होगी, बहुत बार ये जो पेंटिंग है इसके रिफ्लेक्शन आते हैं ऑफ अ लेडी. तो पेंटिंग का नाम है हमसद मयती मयंती. सो पहले हम ये चैप्टर के ऑब्जेक्टिव देखेंगे. ये चैप्टर पढ़ने के बाद हम देख पाएंगे कि मॉडर्न आर्ट का मूवमेंट कैसे शुरू हुआ इंडिया में, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स पेंटिंग्स की जो है हम एनलिस्ट कर पाएंगे, फिर मेथड्स मटेरियल और साइज थीम क्या है, प्लेसेस कहाँ से है वो हम एनलिस्ट कर पाएंगे, हम बता पाएंगे आर्टिस्ट को पेंटिंग्स के, आइडेंटिफाई कर पाएंगे एनलिस्टेड आर्टिस्ट. तो अभी ये जो पेंटिंग है इसका नाम है हमसा दमयंती. ओके, तो मीडियम है इसका ऑयल ऑन कैनवस. डेट इसकी है 1899. आर्टिस्ट है इसका राजा रवि वर्मा. कौन है इसका आर्टिस्ट? राजा रवि वर्मा. सी देखो ये जो ऐसे क्वेश्चंस है ऐसे आ सकते हैं, इसलिए ध्यान देना. राजा रवि वर्मा इज वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड पेंटर्स ऑफ इंडिया. हिज लाइफ बिगेन इन अ स्मॉल विलेज इन किलिमेनोर केरला. रवि वर्मा's विजन वॉज एन आर्टिस्ट वॉज रिवॉल्यूशनरी इन हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन आर्ट. अ पॉपुलर सिग्निफिकेंट आर्टिस्ट ऑफ हिज टाइम वॉज प्रोमिनेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूरोपनाइज्ड स्कूल ऑफ आर्ट इंडियन आर्ट आर्टिस्ट. He gained reputation for his water and oil color technique. तो अभी ये बता रहे हैं कि अभी ये जो जिन्होंने पेंटिंग निकाली उसकी वो थोड़ी सी हिस्ट्री बता रहे हैं. तो वो बोल रहे हैं कि ये जो रवि वर्मा है वो बहुत ज्यादा सेलिब्रेटेड पेंटर है इंडिया के. उन्होंने एक छोटे गांव से केरला में गांव है किलुमिनार, वहां से उन्होंने उनकी शुरुआत की. तो उनका एक विजन था, मतलब ही वॉज अ विजनरी आर्टिस्ट और वो रिवॉल्यूशनरी था, मतलब वो चेंज लाने वाले आर्टिस्ट है. और उन्होंने क्या किया, उनका जो आर्ट है कॉन्ट्रीब्यूट किया इंडियन आर्ट को. मतलब बहुत ज्यादा पॉपुलर एंड सिग्निफिकेंट आर्टिस्ट मतलब थे वो उनके टाइम के, और उन्होंने बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट रिप्रेजेंटेटिव रहे ऑफ यूरोपियन स्कूल ऑफ इंडियन आर्टिस्ट में. उनका बहुत ज्यादा अच्छा रोल था, आपने सुना होगा कहीं ना कहीं देखा होगा ये नाम. ही गेन्ड रेपुटेशन, उन्होंने रेपुटेशन कब गेन की, वाटर और ऑयल कलर टेक्निक्स के लिए. वास्ट पैरा नॉर्मा ऑफ इंडियाज माइथोलॉजी इज पोर्ट्रेड इन सीरीज ऑफ हिज वर्क्स दैट मोस्टली प्रोजेक्ट द हीरोइन एज सेंट्रल फिगर. हिज पेंटिंग्स ऑफ इंडियन डिविनिटी स्टिल सर्वाइव इन मेनी होम्स एंड श्राइन्स. तो वो कह रहे हैं कि वो ऐसे डिवाइन पेंटिंग्स बनाते थे, जैसे अभी ये फिगर में भी हम देख रहे हैं कि एक जो लेडी है उसको सेंट्रल फिगर बना के उसको बहुत ही ज्यादा मतलब प्रोजेक्ट करके वैसे वो बताते थे. और ये इनकी जो पेंटिंग्स है, इनकी पेंटिंग्स के आज भी कॉपीज आप देखोगे बहुत सारे घरों में है. His works are still visible in prints. Prints में है, calendars में है, posters में है, other popular arts and holographs. Ravi Verma is particularly noted for his paintings depicting episodes from the story of Dushyanta, Shakuntala, Nala Dayamati and from epic Mahabharata. तो उनके काम कहाँ कहाँ के पे है ऐसे, उनके कौन से noted paintings है, वो है दुष्यंता, okay, शकुंतला और फिर नाला दयामती जो अभी हम पेंटिंग देख रहे हैं और इपिक महाभारत. फिर हमस दयामती इज वन ऑफ द फेमस वर्क्स ऑफ राजा रवि वर्मा. इट वाज पेंटेड इन 1899 इन ऑयल एंड इट क्रिएटेड सेंसेशन व्हेन फर्स्ट डिस्प्लेड एट मद्रास फाइन आर्ट्स एग्जीबिशन. तो बोल रहे हैं कि ये जो पेंटिंग है हम देख रहे हैं अभी, तो वो 1899 में बनाई गई है, ऑयल पेंटिंग है. और जब ये पेंटिंग बनाई गई और मद्रास में रखी गई है फॉर एन एग्जीबिशन, तो ये पेंटिंग ने एक सेंसेशन क्रिएट कर दिया, मतलब बहुत से लोगों को बहुत ज्यादा अच्छी लगी.
The Western technique which Ravi Verma mastered is clearly visible in this painting. The power and forceful expression of European painting fascinated him, which came across to him as strikingly contrasting to stylized Indian artwork. तो अभी वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि इन्होंने क्या किया, यूरोपियन जो फॉर्म है पेंटिंग का वो भी मास्टर किया और जिस प्रकार से उन्होंने ये पेंटिंग बनाई है मतलब बहुत ज्यादा फैसिनेशन उन्होंने क्रिएट किया और स्टाइल ऑफ इंडियन वर्क भी बहुत ज्यादा अच्छे से इन्होंने क्या किया, रिप्रेजेंट किया ये पेंटिंग में. आई होप एवरीबडी लव दिस पेंटिंग, आई लव इट. ओके, सो अभी हम दूसरी देखेंगे, वी विल लुक एट द अनदर पेंटिंग. सो लेट लुक एट दिस पेंटिंग. दिस पेंटिंग इज ऑफ ब्रह्मचारी. तो आपको पता होगा कि बहुत सारे लोग जो है सेलिबेसी जो है वो मेंटेन करते हैं और ब्रह्मचारी रहते हैं. तो ये ब्रह्मचारी की पेंटिंग है. आई थिंक दे आर वैष्णवाज, उनके तिलक से समझ में आ रहा है. सो अभी यहाँ पे ये बता रहे हैं कि द पेंटिंग डिपिक्ट्स. ओके, अभी फिर से मतलब वो जो ऊपर की दमवती पेंटिंग है उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन बाकी है. लेट्स लुक एट दिस. मोस्ट ब्यूटिफुल ऑफ रवि वर्मास वुमेन हु वॉज पोर्ट्रेड एज वेरी शेपली एंड ग्रेसफुल. तो वो बोल रहे हैं कि अभी ये जो दामवती जो पेंटिंग है उसके बारे में बोल रहे हैं वो, कि ये जो वुमेन के बारे में उन्होंने कैसी वो पेंटिंग बनाई है उसको वो ज्यादा डिस्क्राइब कर रहे हैं अभी. तो यहाँ पे द मोस्ट ब्यूटिफुल रवि वर्मास वुमेन हु पोर्ट्रेड एज शेपली, शेप उनका अच्छे रहता था, ग्रेसफुल रहती थी. शी इज वेयरिंग अ ब्यूटिफुल रेड साड़ी, लविंगली लिसनिंग टू द मैसेजेस फ्रॉम हर लवर. नाला नरेटेड बाय स्वान हमसा. तो मतलब वो यहाँ पे ऐसे डिपिक्ट कर रहे हैं कि वो जो स्वान है उनके जो प्रेमी है उनसे वो लेटर लेके आए या फिर वो सुन के आए वो, और क्या कर रहे हैं उनको वो जो है वो सुना रहे हैं कि आपके प्रेमी मैंने आपको क्या कहा है. और लाइक शी इज लाइक लिसनिंग टू द मैसेज. फिर हाँ, हम मतलब स्वान को हंस बोलते हैं ना. हमसा टॉक्स अबाउट नाला एंड एक्सप्रेसेस नालाज लव फॉर हर. तो उनके जो मतलब प्रेमी है वो क्या कर रहे हैं उनके बारे में बता रहे हैं और वो जो नाला का जो लव है वो एक्सप्रेस कर रहे हैं ये पेंटिंग के द्वारा. और मतलब वो हम बता रहे हैं और वो जो है लेडी वो सुन रही है उनके प्रेमी का मैसेज को. द पेंटिंग शोज द साइलेंट लव ऑफ हर हार्ट एक्सप्रेसिंग इट सेल्फ इन स्पार्कल ऑफ हर आईज एंड ग्लो ऑफ हर चीक्स, टेंडर डिग्निफाइड एंड लवली दैट मेक्स हर सो फैसिनेटिंग. तो वो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि पेंटिंग में बता रहे हैं कि कैसा जो है एक साइलेंट लव है एक्सप्रेस कर रहे हैं ये पेंटिंग थ्रू, कैसी उनकी आंखों में चमक है, उनके चेहरे पे एक ग्लो है, एक टेंडरनेस है, नाजुकपन है, एक डिग्निटी भी है उनका. देखो जैसा पोस्चर है, जैसे वो दिखती है, सो लवली शी इज. सो इससे क्या होता है, ये बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग ये पेंटिंग बन जाती है. द स्टैंडिंग फिगर ऑफ दमवती इज एंड हर पोस्चर इटसेल्फ इज वेरी सजेस्टिव ऑफ थीम रवि वर्मा सिलेक्टेड. तो वो बोल रहे कि बहुत ज्यादा सजेस्टिव है जो थीम जो रवि वर्मा में सजेस्ट किए और सिलेक्ट किए. ही यूज्ड ऑयल कलर्स इन दिस वर्क ऑल्सो बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न इन्फ्लुएंस इन हिज पेंटिंग. तो बोल रहे कि उन्होंने क्या किया, रवि वर्मा ने ऑयल कलर्स यूज किए क्योंकि वो वेस्टर्न से मतलब इन्फ्लुएंस थे, उन्होंने वो जो है पेंटिंग्स में मतलब उनके लाया वो चीज, मतलब ही इन अ वे हम बोल सकते हैं आज के जमाने में उन्होंने अपग्रेड की उनकी पेंटिंग को. ठीक है, ही हैज शोन हिज एक्सेलेंस इन कलर कॉम्बिनेशन एंड टेक्निक. तो हम देख सकते हैं पेंटिंग कितनी सुंदर है, कितना अच्छा कलर कॉम्बिनेशन है. He provided a vital link between traditional Indian art and contemporary, between the Thanjavur school and Western academic realism. तो बोल रहे हैं कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने मतलब दोनों contemporary art और Indian art को दोनों को मिला के मतलब वो जो painting है एक realism की तौर पे बनाई है. रवि वर्मा इज कंसिडर्ड नॉट ओनली इंडियाज ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट बट ऑल्सो ग्रेट पेट्रियोटिक. राजा रवि वर्मा ब्रीड हिज लास्ट ऑन 2 अक्टूबर 1906. तो ये राजा रवि वर्मा लाइक उनकी डेथ एनिवर्सरी बता रहे हैं यहाँ पे.
और मतलब वो सिर्फ आर्टिस्ट ही नहीं थे, वो पेट्रियोटिक भी थे, मतलब वो उनके देश के लिए काम भी करते थे, उनके जो सुविचार थे वो उनके देश के लिए थे। ओके, अभी नेक्स्ट पेंटिंग जो हमने ये देखी थी, ये ब्रह्मचारी की देखी थी, तो हम उसके ऊपर डिटेल्ड अभी देखेंगे कि क्या है ये पेंटिंग के बारे में। आई एम वेरी अनकंफर्टेबल टेकिंग द सेशन ऑन द फोन। ओके, आई विल चेक माई वाईफाई टुमारो, आई विल लाइक बी बैक ऑन। टाइटल ब्रह्मचारी, मीडियम है ऑयल ऑन कैनवास, डेट 1938, अमृता शेरगिल, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, न्यू दिल्ली। तो ये ब्रह्मचारी की पेंटिंग है, 1938 में हुई थी, कैनवास पे हुई थी, ऑल कैनवास में। आर्टिस्ट कौन है इसकी? अमृता शेरगिल है इसकी आर्टिस्ट। ओके, अमृता शेरगिल्स अपियरेंस इज ग्रेट इवेंट इन हिस्ट्री ऑफ कंटेम्प्रेरी 20th सेंचुरी आर्ट इन इंडिया। बॉर्न इन 1930, हर पेरेंट्स वेर सरदार उमराव सिंह शेरगिल एंड लेडी एनी टोनेट, अ हंगेरियन नेशनल। अमृता स्पेंट हर अर्ली ईयर्स इन यूरोप एंड हैड बेस्ट ऑफ आर्ट एजुकेशन इन पेरिस। शी वॉज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाई पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट, इंक्लूडिंग मोडिग्लियानी एंड गोगिन। तो अभी ये बता रहे हैं अमृता शेरगिल क्या है, शेरगिल्स अपियरेंस इज ग्रेट इवेंट ऑफ हिस्ट्री। तो उनका जो अपियरेंस जो आया था, जैसे उनका जो एक एंट्री हुई थी 20th सेंचुरी में, वो बहुत ज्यादा ग्रेट है कंटेम्प्रेरी फॉर्म में। तो उनका जो जन्म है 1913 में हुआ, उनके यहाँ पे फादर का नाम है पेरेंट सरदार उमराव सिंह शेरगिल एंड लेडी मे बी लेडी एनुट, मतलब मे बी हर मदर वॉज फ्रॉम यूरोप, अ हंगेरियन नेशनल। अमृता स्पेंट हर अर्ली ईयर्स, उन्होंने ऑब्वियसली उनकी मॉम वहां से थी तो यूरोप से, और फिर उन्होंने एजुकेशन भी कहाँ पे किया, उन्होंने उन्होंने पेरिस में किया। वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थी पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट, इंक्लूड मोदिग्लियानी एंड गुनगुन से। शी केम टू इंडिया इन 1921, ड्रीव इंस्पिरेशन फ्रॉम एक्सक्यूसिट लिटिल मिनिएचर्स ऑफ कांगरा, फ्रेस्को, अजंता। द फिगर्स शी ड्रू विथ एक्सप्रेशन ऑन देयर फेसेस वेयर हर ओन इन्वेंशन। तो यहाँ पे उनके बारे में बता रहे हैं, अमृता के बारे में। अमृता कैसे मीन्स यूरोप में पढ़ी, बड़ी पेरिस से उन्होंने उनके एजुकेशन सिस्टम ली। वो इंडिया में कब आई? इंडिया में वो 1921 में आई, मतलब देखिए अभी उनकी एज, यहाँ पे 1913 में वो बॉर्न हुई, तो अभी देखिए 19, ओके, मतलब आई थिंक शी केम इन इंडिया अराउंड व्हेन शी वाज 7 to 8 इयर्स ओल्ड। ओके, तभी वो इंडिया में आई। और उन्होंने उनकी इंस्पिरेशन कहाँ से ली? उन्होंने उनकी इंस्पिरेशंस जो फ्रेस्को आर्ट है अजंता का, वहां से, मिनिएचर्स है कांगड़ा के, वहां से ली। द फिगर्स शी ड्रू विथ एक्सप्रेशन ऑन देयर फेसेस, जो फिगर्स पे वो एक्सप्रेशन निकालते थे, जैसे अभी हमें आजकल हमारे स्माइलीज पे एक्सप्रेशन रहते हैं, वो उनके खुद के इन्वेंशन थे। अमृता's पेंटिंग वेर नॉट मियर रिप्रोडक्शन ऑफ व्हाट शी सॉ अराउंड हर, बट विजन्स बॉर्न आउट ऑफ द कोऑर्डिनेशन ऑफ कलर, डिजाइन एंड इमोशन। तो वो बोल रहे हैं कि अमृता के जो पेंटिंग्स थे, ये लेडी के पेंटिंग्स, वो ऐसा नहीं था कि बस जो उन्होंने अपने आजू बाजू में देखा वो बनाया, बट उनके वो जो पेंटिंग्स के बारे में उनके खुद के विजन्स थे, उन्होंने कोऑर्डिनेट किया कलर के साथ, डिजाइन के साथ और इमोशंस के साथ, और फिर वो पेंटिंग्स लाई। विजिट टू साउथ इंडिया इंस्पायर्ड हर टू प्रोड्यूस द मोस्ट रिमार्केबल वर्क सच एज द ब्राइट स्टोलेट, द ब्रह्मचारीज एंड साउथ इंडियन विलेजर्स गोइंग टू मार्केट। तो अभी वो साउथ इंडिया में जब गई थी, तब उन्होंने क्या किया, वो कुछ चीजों से इंस्पायर हुई, जैसे द ब्राइट टॉयलेट, द ब्रह्मचारीज और साउथ इंडियन विलेजर्स गोइंग टू द मार्केट। तो उनकी ये जो पेंटिंग्स है वो बहुत ज्यादा रिमार्केबल है और फेमस है। द ब्रह्मचारीज विच वॉज पेंटेड इन 1938 इज अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ हर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिंदू फेथ विच इज स्टिल प्रिवेलेंट इन ट्रेडिशनल साउथ इंडिया।
तो आज भी हम देखेंगे साउथ इंडिया में जो है बहुत ज्यादा हमारा जो ट्रेडिशनल है ग्लोरीफाई किया जाता है और उन्होंने वो प्रिजर्व करके रखा है। तो वो मतलब जब वहां पे गई थी सो शी सॉ द ब्रह्मचारीज और उन्होंने उनका जो फाइन पेंटिंग बनाई है। द पेंटिंग शोज फाइव मेल फिगर्स। शी सॉ ब्रह्मचारी स्टूडेंट इन आश्रम। शी सक्सीडेड इन एक्सप्रेसिंग द सिंप्लिसिटी ऑफ दिस यंग ब्राह्मिन स्टूडेंट्स एज अ सिंबल ऑफ डिवोशन इन हिंदू फेथ। तो जैसे हमारा जो इंडियन ट्रेडिशनल है उन्होंने मतलब अब हमारा जो हिंदू फेथ होता है या फिर इंडिया का वो ट्रेडिशनलिज्म जो है उन्होंने उनकी पेंटिंग में रिफ्लेक्ट किया है। जैसे ये ब्रह्मचारीज थे कैसे वो डिवोशन मतलब लाइक हाउ दे यूज टू प्रैक्टिस डिवोशनल सर्विस टुवर्ड्स देयर हिंदू फेथ। और फिर मतलब कितनी सिंपल थे वो यंग ब्रह्मचारीज वो उन्होंने उनकी पेंटिंग में डिपिक्ट किया है। द पेंटिंग इज कंपोज्ड ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन विथ वर्टिकल प्लेसमेंट ऑफ फिगर्स। तो ऑब्वियसली इट इज पेंटिंग जो है ऐसे लैंडस्केप मोड टाइप में है। स्ट्रेस वॉज लेड ऑन वराइटी ऑफ कलर ऑफ बॉडीज। तो बॉडी के कलर के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस दिया गया है क्योंकि ब्रह्मचारीज जो है लाइक मीन्स यू कैन सी द ब्रह्मचारीज सो योर लाइक देयर बॉडी इज लाइक नीचे धोती पहनते हैं एंड ऊपर लाइक सी दिस इज मोर डार्कर दिस इज लिटिल व्हाइटिश दिस इज ब्राउन। तो ऐसे उनके उसके ऊपर ऐसे स्ट्रेस दिया गया है वो बोल रहे हैं यहाँ पे क्योंकि पेंटिंग में वो दर्शाना था। अ डीप रेड बैकग्राउंड व्हाइट धोतीज न्यूट्रल फोरग्राउंड ऑफ ग्रीनिश ग्रे डू नॉट डिस्टर्ब द कामनेस ऑफ होल कंपोजिशन। तो आपने देखा होगा कि उनका बैकग्राउंड हो गया या फिर उनकी धोती हो गई ये क्या कर रहा है ये डिस्टर्ब नहीं कर रहा है वो पेंटिंग को। इट्स कीपिंग इट मोर कामनेस और होल कंपोजिशन इट कीप्स ऑल टूगेदर। द धोतीज हैव वेरिएशन ऑफ व्हाइट्स दो डिफरेंट बट द सटल दैट इज गिवन इंप्रेशन ऑफ यूनिफॉर्मिलिटी। द ऑफ व्हाइट ऑफ द सेंट्रल फिगर विद ब्लैक एंड ब्राउन बॉडीज अराउंड अगेंस्ट द डीप एंड रेड बैकग्राउंड आर यूज्ड विद स्किल। तो बोल रहे कि कैसे उन्होंने ऑफ व्हाइट कलर का जो सेंट्रल फिगर में विद ब्लैक एंड ब्राउन बॉडीज जो बनाई है जैसे मैंने अभी बताया उनकी बॉडीज कैसे लिटिल डार्कर और ब्राउन बॉडीज है अगेंस्ट द डीप रेड बैकग्राउंड और बैकग्राउंड क्या है डीप रेड है आर यूज्ड विद अ स्किल। तो बहुत ज्यादा देखो बैकग्राउंड भी डीप रेड है और बॉडीज भी उन्होंने कैसे बनाई है उनके वही कलर की बॉडीज है तो इसके लिए बहुत ज्यादा स्किल लगती है ऐसा बनाने के लिए क्योंकि डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं ना हम। शी इज रिमेम्बर्ड फॉर हर पेंटिंग्स डन जस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ 7 years बट द पैशन विथ विच शी हैंडल्ड द ब्रश एंड जीनियस विथ विच शी कंबाइंड हर ट्रेनिंग्स इन द वेस्ट एंड हर व्यू ऑफ ईस्ट मेड हर मोस्ट पॉपुलर। द सिंसेरिटी ऑफ हर सब्जेक्ट एंड द यूजेस ऑफ कलर्स ब्रिंग अमृता's पेंटिंग्स अ क्वालिटी ऑफ टाइमलेसनेस। तो अभी यहाँ पे वो बता रहे हैं कि उनको याद किया जाता है उनकी पेंटिंग्स में ओवर द पीरियड ऑफ 7 years 7 साल की बरस से वो उनकी पेंटिंग्स बना रही थी। उनका जो पैशन है ब्रश को जैसे हैंडल करती थी उनका वो जीनियसनेस है जैसे उन्होंने उनकी वेस्टर्न वर्ल्ड से जो ट्रेनिंग ली थी ईस्ट में आके वो वेस्टर्न वर्ल्ड हो गया हमारा इंडिया ईस्ट में आता है कैसे उन्होंने वो अच्छे से किया। फिर उनकी कितनी सिंसेरिटी थी उनके सब्जेक्ट के लिए उनके कलर्स के लिए कैसे उन्होंने ये किया इसलिए उनका काम जो है बहुत ज्यादा टाइमलेस माना जाता है। मोस्ट ऑफ हर पेंटिंग्स रिफ्लेक्ट हर लव फॉर द कंट्री एंड मोर इम्पोर्टेंटली हर रिस्पॉन्स टू लाइफ ऑफ इट्स पीपल। शी वॉज यंगेस्ट एंड अमॉन्ग द पायनियर्स ऑफ कंटेम्प्रेरी मूवमेंट ऑफ मोस्ट शॉर्ट लिव्ड। तो मे बी वो उनकी जो आयु है वो बहुत कम हो गई थी इसलिए यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे कहा है कि शी वॉज शॉर्ट लिव्ड ज्यादा उन्होंने जिया नहीं है बट उनके पेंटिंग्स के द्वारा हमें पता चलता है कि वो मतलब शी यूज टू गिव इम्पोर्टेंस टू मतलब लोगों को इम्पोर्टेंस देती थी लोगों की लाइफ को इम्पोर्टेंस देती थी और उनका प्यार जो कंट्री के लिए था वो उनके पेंटिंग्स के थ्रू दिखता है। ओके नाउ लेट्स लुक एट दिस पेंटिंग दैट इज द आर्ट्रियम। तो ये पेंटिंग है द आर्ट्रियम वॉटर कलर ऑन पेपर। वन सेकेंड लेट मी सी कितना टाइम हुआ है।
ओके यस ओके ओके तो ये पेंटिंग देख लेते हैं हम। अभी ये पेंटिंग है, मीडियम है इसका, वाटर कलर ऑन पेपर, डेट 1920 है, आर्टिस्ट है इनका गंगेंद्रनाथ टाइगोर। कलेक्शन है इसका रविंद्र भारती सोसाइटी, जोर संघ को कोलकाता। इसका जनरल डिस्क्रिप्शन है, गगेंद्रनाथ टाइगोर वॉज बॉर्न इन 1867 इन टाइगोर फैमिली इन कोलकाता। ही वॉज लीडिंग फिगर इन कंटेम्प्रेरी इंडियन पेंटर्स। हिज इम्पोर्टेंट वर्क फ्रॉम 1910 टू 1921 वेर द स्केचेस ऑफ हिमालयाज, द लाइफ ऑफ चैतन्य थ्रू आर्ट इन सीक्वेंस एंड द वंडरफुल ड्रॉइंग डिपिक्टिंग द इंडियन लाइफ। ऑन वन हैंड He supported his brother Abindranath, and on other hand he showed his inclination towards cubist school in Europe. तो यहाँ पे वो बता रहे हैं ये जो पेंटिंग जिसने बनाई है उनके बारे में। गगेंद्रनाथ टाइगोर है उनका नाम। कब बॉर्न हुए थे वो? 1867 में कोलकाता में बॉर्न हुए थे। मतलब ही वॉज अ लीडिंग फिगर इन कंटेम्प्रेरी इंडियन पेंटर्स, मतलब बहुत ज्यादा लीडिंग फिगर थे। उनका जो इम्पोर्टेंट वर्क है 1910 टू 1921, जहाँ पे स्केचेस, हिमालयस की जो स्केचेस बनाते थे, द लाइफ ऑफ चैतन्य थ्रू आर्ट इन सीक्वेंस, अलग अलग डिपिक्ट करते थे, इंडिया की लाइफ डिपिक्ट करते थे। एक हाथ पे उनके जो ब्रदर थे, ऑन अदर हैंड वो उन्होंने क्या किया, सपोर्ट करते थे उनके ब्रदर को। इंक्लिनेशन था उनका क्यूबिस्ट स्कूल इन यूरोप। क्यूबिस्ट का मतलब जो है क्यूब फॉर्म में जो आर्ट बनाते थे, जो हमने पहले क्यूबिज्म देखा उस फॉर्म का है। बाद में क्या हुआ, हिज करियर डेवलप डिस्टिंक्ट स्टाइल ऑफ हिज ओन एंड ओन ब्रांड ऑफ क्यूबिज्म। तो अभी मैंने बताया जो भी लोग पढ़ते हैं, पाइनर्स का मतलब क्या होता है, वो कुछ चीज सीखते हैं फिर उसके बाद में उसमें रिवॉल्यूशन लाते हैं, उसके अंदर चेंज लाते हैं। तो उन्होंने क्यूबिस्ट स्कूल ऑफ आर्ट से मतलब सीखा, उनका इंक्लिनेशन था क्यूबिज्म में। उन्होंने उनका करियर जो है वैसे डेवलप किया, बट उसके बाद में क्या किया, उन्होंने उनकी खुद की जो स्टाइल है क्यूबिज्म में, खुद की स्टाइल बनाई। द कोर क्यूबिज्म वॉज टू एक्सपोज इन एब्स्ट्रैक्ट ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर्स। ही डेवलप्ड हिज टेक्निक आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। ही ओवरलैप्ड द फ्लैटेन ज्योमेट्रिकल शेडोज, शेडो शेप ऑफ कलर टू क्रिएट अ मिस्ट्री वर्ल्ड। ही वॉज डेफिनेटली मास्टर ऑफ ब्यूटिफुल कंपोजिशन। तो यहाँ पे कह रहे हैं उनके बारे में कि ये क्या करते थे, ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर्स है, ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर्स के साथ उनका जो आर्ट बनाते थे, उन्होंने एक टेक्निक जो है डेवलप की थी एक्सपेरिमेंट कर करके, कैसे करना कि ये जो पहले भी मैंने क्यूबिज्म में क्या बताया था, ओवरलैप करना चीजों को, फ्लैटेंड करना, उसका ज्योमेट्रिकल शेडो देना शेप्स का, और एक मिस्ट्री वर्ल्ड जो है उनकी पेंटिंग्स में क्रिएट करना। ही वॉज डेफिनेटली अ मास्टर ऑफ ब्यूटिफुल कंपोजिशन। ही पेंटेड इमेजेस विद ड्रामेटिक प्ले ऑफ लाइट शेड। क्यूबिज्म जब आता है तो उसमें आप लाइट शेड प्ले करते हुए देखोगे ही, ऑफ ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स एंड सिंप्लीफाइड फिगर्स। और ही नेवर ब्लाइंडली इमिटेड वेस्टर्न आर्ट ऑफ स्टाइल। तो उन्होंने कभी भी वेस्टर्न आर्ट ऑफ स्टाइल है उसको ब्लाइंडली इमिटेट नहीं किया, किसी चीज को ऐसे कॉपी नहीं किया। ही वॉज ऑल्सो ग्रेट क्रिटिक ऑफ हिज टाइम एंड हिज सोशल कार्टून्स वेर वेरी पॉपुलर। तो वो कार्टूनिस्ट भी थे, कार्टून भी बनाते थे, सोशल कार्टून, जैसे नहीं आजकल के न्यूज में देखोगे आप सोशल लोगों के ऊपर कार्टून बनाते हैं, तो वैसे वो करते थे। हिज कार्टून रिफ्लेक्टेड हिज ट्रीटमेंट ऑफ सीन्स ऑफ कोलकाता एंड फनी साइड ऑफ लाइफ ऑफ हिज सिटीजन। तो कैसे फनी साइड लाइफ है कार्टूनिस्ट की, मतलब वैसे सिटीजन्स के वो उन्होंने वहां पे डिपिक्ट की थी। ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज पॉलिटिकल कार्टून्स एंड सोशल सैटायर्स ऑन वेस्टर्नाइज्ड बंगालीज। तो मतलब सोशली कैसे चल रहा है कि लोग कैसे करते हैं, जैसे नहीं पुणे में ऐसी पार्टी लगती है कि
कुत्तों का आना मना है, ऐसे डॉबरमैन ईयर, ऐसे वैसे, तो ऐसे तो वैसे वो बनाते थे, या कोई पॉलिटिकल पीपल के ऊपर बनाते थे। तो ये इनकी पेंटिंग है। इनकी पेंटिंग ऑट्रियम में आपको दिख रहा है कि उन्होंने क्यूबिज्म का ये किया है, लाइट दिख रही है, शेडो दिख रहा है, ओवरलैपिंग दिख रही है। इसमें ये पेंटिंग इतनी क्लियर नहीं है, आप गूगल पे जाके उसको और क्लियरली देखना है तो देख सकते हो। ज्योमेट्रिकल शेप्स का उन्होंने यूज किया है। वन ऑफ हिज पेंटिंग्स द ऑट्रियम इज रिमार्केबल वर्क एंड फाइन एग्जाम्पल ऑफ क्यूबिस्ट इन्फ्लुएंस ऑन हिज वर्क। क्यूबिज्म इज द स्टाइल इन आर्ट इन विच ऑब्जेक्ट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग टूगेदर ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स, एंड ही इनकॉर्पोरेटेड दिस इन हिज वर्क्स। ही क्रिएटेड दिस वर्क विथ क्यूबिस्टिकली ब्रोकन फॉर्म्स ऑफ क्यूबिस्ट। द पेंटिंग पर्टिकुलर शोज फाइन ब्लेंड ऑफ लाइट क्रिएटेड ड्रामेटिक इफेक्ट विथ कलर्स। दो इन मोस्ट ऑफ हिज अर्लियर वर्क ही यूज मल्टीट्यूड ऑफ कलर्स, बट इन दिस वन ही हैज यूज वेरियस शेड्स एंड टिंट्स। द होल कंपोजिशन लुक्स लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस ज्योमेट्रिकल शेप्स पुट टूगेदर। दिस वर्क कुड इजिली बी अंडरस्टूड दो देर इज एब्स्ट्रैक्शन इन शेप्स। There was not any artist at the time of experiment with Eastern concept. तो यहाँ पे यही बता रहे हैं, जो जो पहले डिफाइन किया है ना, वही ये पैराग्राफ में फिर से डिफाइन कर रहे हैं। उनका जो ये पूरा काम है क्यूबिज्म का, वो उन्होंने यहाँ पे ये किया है। पहले के आर्टिस्ट जो थे वो कॉपी करते थे, इन्होंने बिल्कुल भी कॉपी कोई चीज की गई नहीं है। जैसे ओवरलैप हुआ है इनमें ज्योमेट्रिकल शेप्स का, लाइट और डार्क के साथ, शेड्स के साथ, टिंट्स है। टिंट्स का मतलब क्या होता है, जो मतलब कलर है, कलर का लाइटर जो पार्ट होता है उसे टिंट्स कहते हैं, और कलर का जो डार्कर पार्ट होता है उसे शेड्स कहते हैं। डार्क 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 होते जाता है, लाइट 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 होते जाता है, उसे टिंट कहते हैं। तो वैसे उन्होंने इसके साथ ये किया है, टिंट्स के साथ खेला गया है। और वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे उनके टाइम पे कोई ऐसा आर्टिस्ट नहीं था जिन्होंने इतना एक्सपेरिमेंट किया है उनके काम के साथ, जितना इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है इनके काम के साथ, और वो बहुत ज्यादा रिमार्केबल रहा है। ही इज स्टिल रिगार्डेड एज एन आर्टिस्ट हु मेड सेवरल एक्सपेरिमेंट। ही पास्ड अवे इन 1938, बट हिज मेमोरी लिव्स इन हिज पेंटिंग्स एंड स्केचेस। तो ये देखो, वो यही बोल रहे हैं कि ये पहले आर्टिस्ट है ऐसे कि जिन्होंने इतनी सारी एक्सपेरिमेंट्स की है उनकी पेंटिंग्स में, ड्रामेटिकल इफेक्ट लाना कलर्स के साथ, थोड़ा सा फाइन ब्लेंड लाना, उनका जो काम है ज्योमेट्रिकल शेप्स के साथ इनकॉर्पोरेट करना, थोड़ा सा क्यूबिकल फॉर्म्स के साथ खेलना, कंपोजिशन उनका क्रिएट करना, सब करना, ये उन्होंने किया है। ठीक है, तो बट अभी वो जन्मे थे 1867 में। ही लिव्ड क्वाइट अ लॉन्ग लाइफ, ओके, डिसेंट लाइफ ना है, और लाइक ही डाइड इन 1938, बट उनकी जो पेंटिंग से उनके थ्रू वो क्या करते हैं, आज भी हमारे साथ वो रहते हैं। ही स्टिल विथ अस। Let me check how much time is remaining. Who is crying? I think in 1 minute the meeting will get over. So what I will do tomorrow? कल हम क्या करते हैं, ये जो व्हाट वी लर्न फ्रॉम द लेसन टुडे, प्लीज कंप्लीट ऑल द टर्मिनल क्वेश्चंस ऑफ दिस लेसन। ओके, टर्मिनल क्वेश्चंस कर लिए, फिर व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस लेसन मैं कल ये रिवाइज करूंगी और हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो कल हमारा जो पेंटिंग का पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो प्लीज कंप्लीट टर्मिनल क्वेश्चंस ऑफ 8th चैप्टर, वी आर डन। टुमारो हम पूरा कंप्लीट कर देंगे। Is it clear, everybody? Okay, ma'am. So, okay, very well. Okay. So, bye, Gauravi. Bye, Mir. Bye, Vivan. Take care. Have a nice day.